गोरखपुर गांव में दो परिवार रहते थे, जहां संजय अपनी पत्नी रंजू और एक बेटे सोनू के साथ और राजू अपनी पत्नी मंजू और बेटे अंशु के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सोनू पढ़ने में बहुत तेज था, पर अंशु पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन दोनों घर में आए दिन झगड़ा हुआ करता था। एक दिन बच्चे खेल रहे थे। भाई लोग, मैं इस अंशु के साथ नहीं खेलूंगा। ये एक नंबर का गधा है, इसे कुछ नहीं आता। अरे भाई, इसे अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, इसे दूसरे वाले में दे देते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे इसे, ये गधा है बिल्कुल। सोनू ऐसे करके अंशु को हमेशा परेशान करता है और उसे खेलने नहीं देता, जिससे उसके दोस्त भी अंशु से घृणा करते थे और उसे खेलने नहीं देते थे। इससे परेशान होकर अंशु घर जाकर अपने माँ बाप से कहता है, माँ, मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे सोनू बहुत परेशान करता है और दूसरों को भी मेरे खिलाफ भड़का देता है, तो मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गधा गधा कहते हैं। इसमें झूठ क्या कहा उसने, गधा तो तू है ही, पढ़ना भी नहीं आता और खेलना भी नहीं आता। माँ, अब तुम भी शुरू हो गई, मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तुम सबसे दूर चला जाऊंगा। अरे मेरे लाडले, ऐसा मत बोल, चल अब तुझे मैं नहीं बोलूंगी, मैं उस सोनू को बताती हूँ, रुक तो। अंशु की मम्मी अपने इकलौते बेटे को ज्यादा डांटती नहीं थी और उसके गधे होने से परेशान भी थी, जिसके लिए उनका सोनू की मम्मी रंजू से रोज झगड़ा हुआ करता था। एक दिन बहुत जोरदार झगड़ा होता है, सभी मोहल्ले वाले देखने लगते हैं। सोनू, बाहर निकल, तू मेरे बेटे को क्या हमेशा परेशान करता रहता है? क्यों चिल्ला रही हो मेरे बेटे पर? अपने गधे बेटे को देखो जाकर, जैसा है वही बोलेगा ना, जाओ अपने बेटे को संभालो। झगड़ा बहुत देर तक चलता है, सभी मोहल्ले वाले देख देख कर परेशान हो जाते हैं। अरे आप क्या लोग रोज झगड़ा करते हैं बच्चों के लिए? अरे भाई साहब, आप देख नहीं रहे हैं, इनका बेटा गधा है तो उसे गधा बोल देने पर भड़क जाती है। अरे भाई साहब, आप ही देखिए ना, इनका बेटा हर वक्त मेरे बेटे को गधा कहता रहता है, क्या ये अच्छी बात है? अरे आप लोग अपने अपने घर जाओ और एक दूसरे को ऐसा ना बोलो, जाओ। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर वो लोग समझ जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाकर मंजू कहती है, बेटा तेरी वजह से मुझे रोज सोनू की माँ से लड़ना पड़ता है। बेटा थोड़ा तो मन लगा कर पढ़ाई कर ले, वो तुझे गधा नहीं बोलेगा। माँ, अब मैं क्या करूँ, मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूँ, कैसे इसका कल्याण होगा? बेटा चल अब सोने चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। मंजू अपने बेटे को सुलाने ले जाती है और उसे जादुई दुनिया की किताब की कहानी सुनाती है। अंशु वो सुनकर सो जाता है, वो फिर किताबों का ही सपना देखता है। अगले दिन अंशु स्कूल जाता है तो स्कूल में शिक्षक उससे कुछ प्रश्न पूछती है और वो बता नहीं पाता। सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तुम एक नंबर के गधे हो और गधे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैडम, मैं बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर? सोनू, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं, तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन इस अंशु का कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे स्कूल का और क्लास का दोनों का नाम डुबा रहा है। मैडम के ऐसा बोलने पर अंशु को खुद में बहुत खराब लगता है। फिर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके क्लास के सारे बच्चे उसे गधा गधा कहकर बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अंशु बहुत परेशान रहने लगता है। फिर वो ये सब बातें अपनी मम्मी को नहीं बताता और खुद में ही परेशान होता रहता है। फिर एक दिन, मेरी वजह से घर में मम्मी पापा को बहुत परेशानी होती है और स्कूल में टीचर को भी, मैं सबकी परेशानी का कारण बन गया हूँ, अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ। अंशु यही सोचते सोचते जंगल की तरफ निकल जाता है और एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी। मेरे तने में बनी गुफा के अंदर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी।
गुलमोहर के कहे के अनुसार अंशु गुफा में जाता है। वहां घुसते ही वो जादुई दुनिया में चला जाता है, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी किताबें होती हैं। वहां बहुत सारे लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर अंशु के मन में भी पढ़ने की इच्छा होती है। क्यों ना मैं भी एक किताब पढ़ के देखूं? अंशु जैसे ही किताब उठाकर पढ़ने लगता है तो पढ़ने में उसका बहुत मन लगता है और उसे सब कुछ याद भी होने लगता है। ये देखकर अंशु बड़ा ही खुश होता है और उसी जादुई दुनिया में कुछ दिन तक रह जाता है। इधर अंशु के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट सोनू के परिवार वालों के खिलाफ लिखवा देते हैं, जिसके कारण पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। बताओ तुम लोगों ने क्या किया अंशु के साथ? उसे कहाँ गायब कर दिया तुम लोगों ने? साहब हम कुछ नहीं जानते, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तो वैसे भी गधा लड़का था, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस मेरा बेटा उसे चिढ़ा दिया करता था। हाँ तुम्हारे बेटे के ऐसा करने पर ही तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि इसके परेशान करने से ही अंशु कहीं चला गया। उधर जादुई दुनिया का बादशाह अंशु की मेहनत और पढ़ाई देखकर उसे एक किताब देता है। अंशु उस जादुई किताब को लेकर घर आ जाता है। उसे वापस आया देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और अपनी ही हुई कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। देखो बेटा तुम नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन हमारे पास ही रहो, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। मैं अब आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं अब मन लगाकर पढ़ाई भी कर लूंगा। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ मैं सही कह रहा हूँ। और फिर वो अपनी सारी आप बीती बताता है। अंशु को अब जादुई किताब के सहारे सब कुछ याद होने लगा था और वो मन लगाकर पढ़ाई भी करने लगता था। इधर सोनू के परिवार वालों को भी गलती का एहसास हो गया था और वो सोनू के साथ अंशु के घर आते हैं और सोनू अंशु से माफी मांगता है। अंशु मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। ठीक है यार कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर अंशु मन लगाकर पढ़ता है और कक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। उसके टीचर और माँ बाप सब उससे खुश रहने लगते हैं और ये देखकर सोनू को थोड़ी जलन होती है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे परेशान नहीं करता। फिर वो मिलजुल कर साथ रहते और पढ़ते लिखते हैं। वो जादुई किताब अंशु को पढ़ने में मदद करती रहती है, लेकिन साथ ही उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह भी देती है। इसलिए हमें सदैव कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है।